बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व को नकारने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने सोमवार को खुला पत्र जारी किया। इसमें लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने कहा, पापा का अंश हूँ, कभी भी परिस्थितियों से हार नहीं मानूंगा और ना ही किसी कीमत पर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच को मिटने दूंगा। चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पर जारी किए गए अपने खुले पत्र में कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव न लड़ने का फैसला बिहार पर राज करने के लिए नहीं बल्कि नाज करने के लिए है। उन्होंने कहा, पापा ने मुझे हमेशा कहा है कि कभी भी अकेले चलने से मत घबराना, अगर रास्ता और मकसद ठीक होगा तो लाखों लोग तुम्हारे साथ आएंगे। पापा मम्मी और आप सभी के आशीर्वाद से अभी लंबा सफर तय करना है, अभी और अनुभव लेना है। लोजपा प्रमुख ने कहा कि बिहार राज्य के इतिहास का ये बड़ा निर्णायक क्षण है, 12 करोड़ बिहारियों के जीवन मरण का प्रश्न है, क्योंकि अब हमारे पास खोने के लिए और समय नहीं है। उन्होंने अपील करते हुए अपने खुले पत्र में कहा कि जेडीयू के प्रत्याशी को दिया गया एक भी वोट कल आपके बच्चे को पलायन करने पर मजबूर करेगा। चिराग ने खत के जरिए अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कहा, लोक जनशक्ति पार्टी की राह आसान नहीं है, लेकिन हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी।